योना भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय एक। योना भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय एक। यहोवा का यह वचन अमित्तै के पुत्र योना के पास पहुंचा कि उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परंतु योना यहोवा के सन्मुख से तर्शिश को भाग जाने के लिए उठा और यापो नगर को जाकर तर्शिश जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ होकर यहोवा के सन्मुख से तर्शिश को चला जाए। तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहां तक कि जहाज टूटने पर था। तब मल्लाह लोग डरकर अपने अपने देवता की दुहाई देने लगे और जहाज में जो व्यापार की सामग्री थी उसे समुद्र में फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए। योना जहाज के निचले भाग में उतरकर सो गया था और गहरी नींद में पड़ा हुआ था। तब मांझी उसके निकट आकर कहने लगा, तू भारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है? उठ, अपने देवता की दुहाई दे। संभव है कि परमेश्वर हमारी चिंता करे और हमारा नाश न हो। फिर उन्होंने आपस में कहा, आओ हम चिट्ठी डालकर जान ले कि यह विपत्ति हम पर किसके कारण पड़ी है। तब उन्होंने चिट्ठी डाली और चिट्ठी योना के नाम पर निकली। तब उन्होंने उससे कहा, हमें बता कि किसके कारण यह विपत्ति हम पर पड़ी है, तेरा उद्यम क्या है और तू कहां से आया है, तू किस देश और किस जाति का है। उसने उनसे कहा, मैं इब्री हूं और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा, जिसने जल स्थल दोनों बनाया है, उसी का भय मानता हूं। तब वे निपट कर डर गए और उससे कहने लगे कि तूने यह क्या किया है। वे तो जान गए थे कि वह यहोवा के सन्मुख से भाग आया है, क्योंकि उसने आप ही उनको बता दिया था। फिर उन्होंने उससे कहा, हम तेरे साथ क्या करें जिससे समुद्र शांत हो जाए? उस समय समुद्र की लहरें बढ़ती ही चली जाती थी। उसने उनसे कहा, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, तब समुद्र शांत पड़ जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि यह भारी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे ही कारण आई है। तो भी वे बड़े यत्न से खेते रहे कि उसको किनारे पर लगाए, परंतु पहुंच न सके, क्योंकि समुद्र की लहरें उनके विरुद्ध बढ़ती चली जाती थी। तब उन्होंने यहोवा को पुकार कर कहा, हे यहोवा, हम विनती करते हैं कि इस पुरुष के प्राण की संति हमारा नाश न होने दे और न हमें निर्दोष की हत्या का दोषी ठहरा, क्योंकि हे यहोवा, जो कुछ तेरी इच्छा थी वही तूने किया है। तब उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और समुद्र की भयानक लहरें थम गई। तब उन मनुष्यों ने यहोवा का बहुत ही भय माना और उसको भेंट चढ़ाए और मन्नतें मानी। यहोवा ने तो एक बड़ा सा मगरमच्छ ठहराया था कि योना को निगल ले, और योना उस मगरमच्छ के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा। योना भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 2। योना भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 2। तब योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा कि मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली है। अधोलोक के उदरपे से मैं चिल्ला उठा और तूने मेरी सुन ली, तूने मुझे गहरे सागर में समुद्र की खा तक डाल दिया और मैं धाराओं के बीच में पड़ा था। तेरी भड़काई हुई सब तरंग और लहरें मेरे ऊपर से बह गई। मैंने कहा कि मैं तेरे सामने से निकाल दिया गया हूँ, तो भी तेरे पवित्र मंदिर की ओर फिरता हूँगा। मैं जन्म से यहाँ तक घिरा हुआ था
कि मेरे प्राण निकल जाते थे। गहरा सागर मेरे चारों ओर था और मेरे सिर में सिवार लिपटा हुआ था। मैं पहाड़ों की जड़ तक पहुंच गया था। मैं सदा के लिए भूमि में बंद हो गया था। तो भी हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने मेरे प्राणों को गड्ढे में से उठाया है। जब मैं मूर्छा खाने लगा, तब मैंने यहोवा को स्मरण किया और मेरी प्रार्थना तेरे पास परम तेरे पवित्र मंदिर में पहुंच गई। जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं, वे अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं, परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। मैंने जो मन्नत मानी उसको पूरी करूंगा। उद्धार यहोवा ही से होता है। और यहोवा ने मगरमच्छ को आज्ञा दी और उसने योना को स्थल पर उगल दिया। योना भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 3। योना भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 3। फिर यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा कि उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और जो बातें मैं तुझसे कहूंगा उसका उसमें प्रचार कर। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार निनवे को गया। निनवे एक बहुत बड़ा नगर था। वह 3 दिन की यात्रा का था और योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया कि अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। तब निनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट उड़ा। तब यह समाचार निनवे के राजा के कान में पहुंची। तब उसने सिंहासन पर से उठ अपना राजकीय ओढ़ना उतारकर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया और राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर निनवे में इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया कि क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या और पशु और कोई भी न खाए, वे न खाए और न पानी पीवे, और मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वे परमेश्वर की दोहाई चिल्ला चिल्ला कर दे और अपने कुमार्ग से फिरे और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करे। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भटका हुआ कोप शांत हो जाए और हम नाश होने से बच जाए। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिरे जा रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको न किया। योना भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 4। योना भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 4। यह बात योना को बहुत ही बुरी लगी और उसका क्रोध भड़का और उसने यहोवा से यह कहकर प्रार्थना की कि हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था तब क्या मैं यही बात न कहता था? इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही तर्शिश को भाग जाने के लिए फुर्ती की, क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है और विलंब से कोप करने वाला करुणा निधान है और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। सो अब हे यहोवा, मेरा प्राण ले, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही भला है। यहोवा ने कहा, तेरा जो क्रोध भड़का है क्या वह उचित है? इस पर योना उस नगर से निकलकर उसकी पूरब ओर बैठ गया और वहां एक छप्पर बनाकर उसकी छाया में बैठा हुआ यह देखने लगा कि नगर को क्या होगा। तब यहोवा परमेश्वर ने एक रेंट का पेड़ उगाकर ऐसा बढ़ाया कि योना के सिर पर छाया हो, जिससे उसका दुख दूर हो। योना उस रेंट के पेड़ के कारण बहुत ही आनंदित हुआ। बिहान को जब वह फटने लगे, तब परमेश्वर ने एक कीड़े को भेजा जिसने रेंट का पेड़ ऐसा काटा कि वह सूख गया और जब सूर्य उगा, तब परमेश्वर ने पुरवाई बहाकर लूह चलाई और घाम योना के सिर पर ऐसा लगा
कि वह मूर्छा खाने लगा और यह कहकर मृत्यु मांगी कि मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही अच्छा है। परमेश्वर ने योना से कहा, तेरा क्रोध जो रेंट के पेड़ के कारण भड़का है क्या उचित है? उसने कहा, हाँ, मेरा जो क्रोध भड़का है वह अच्छा ही है, वरन क्रोध के मारे मरना भी अच्छा होता। तब यहोवा ने कहा, जिस रेंट के पेड़ के लिए न तो तूने कुछ श्रम किया न उसको बढ़ाया और वह एक ही रात में हुआ फिर एक ही रात में नाश हुआ, उस पर तो तूने तरस खाई है। फिर यह बड़ा नगर निनवे जिसमें 120,000 से अधिक मनुष्य हैं, जो अपने दहने पाए हाथों का भेद नहीं पहचानते और बहुत घरेलू पशु भी उसमें रहते हैं, तो क्या मैं उस पर तरस न खाऊं?